राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने आज पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली एनसीआर समेत कई स्थानों पर छापेमारी की है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की इस कार्रवाई का मकसद भारत और विदेश में स्थित आतंकवादियों, गैंगस्टरों और ड्रग तस्करों पर शिकंजा कसना है। और इसी कड़ी में चंडीगढ़ सेक्टर 27 में एडवोकेट शैली शर्मा के घर एनआईए द्वारा रेड की गई। इसको लेकर एडवोकेट शैली शर्मा ने एनबी न्यूज से खास बातचीत की, क्या कुछ कहा आइए आपको सुनाते हैं। चंडीगढ़ सेक्टर 27 में एनआईए की तरफ से एक एडवोकेट के घर रेड की जाती है। एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि आखिर एक एडवोकेट के घर क्यों रेड की गई। हमारे साथ एडवोकेट डॉक्टर शैली शर्मा मैम, आपके घर रेड की गई, आपको स्पेशली ये पहली बार हुआ है कि एक एडवोकेट के घर, कोई रीजन बताया उन्होंने इस कदम का? सर, रीजन सिर्फ उन्होंने यही बताया कि आपके पास सारे गैंगस्टर्स के केसेस और आप ही सारे बटिंग में केसेस कर रहे हो हाई प्रोफाइल, तो आप ही के पास क्यों आ रहे हैं? अब सर ये मेरे ख्याल से जितने भी मेरे सारे भाई खड़े हैं उनको किसी को भी नहीं पता होगा कि उनके पास कोई केस क्यों आ रहा है। अगला काम करते अपनी वर्किंग दिखाते हैं, वर्किंग के अकॉर्डिंग रेफरेंस मिलती है और कई बार तो हमें भी पता नहीं होता कि हमारा रेफरेंस किसने दिया है। हमें तो काम ही करना है ना सर, हम क्या पूछे पहले तो ये पूछे भाई तू भेजा किसने है, किसने बताया है, हमने केस करना है, कोर्ट में केस है। मेरे को थोड़ी याद होता है कि मैं हाई प्रोफाइल केसेस करती हूँ, मैं लेती हुई हूँ। हाँ मैम, नॉर्मल इंसिडेंट होता है कि एक एडवोकेट केस, ऑफ कोर्स क्रिमिनल जाते हैं अपना केस लेके आते हैं, तो बहुत नॉर्मल चीज है। फिर इससे स्पेसिफिकली आपको टारगेट, ये तो कहीं ना कहीं एडवोकेट्स को डराने के लिए, मुझे भी समझ नहीं आ रहा, मुझे लगता है पूरी एडवोकेट्स को टारगेट किया जा रहा है अब तो, कि भाई आप अच्छे से केस ना कंटेस्ट करो। जो हमने दे दिया, हमारे पास एविडेंस कोई है नहीं, हमने जिन जिनको टारगेट किया है हमारी ये पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है, हमने उसको हमें सजा कराने दो ताकि हमारी प्रमोशन और हमारी ये सारी चीजें होती है। मेरी सर ये थी कि मैं सिर्फ ठीक है, जिसमें मेरे मैं ईमानदारी से काम करती थी, कोर्ट में मेरी प्रेजेंस पूरी रहती थी। दो बार तो मैंने आरपीजी अटैक वाले केस का रिमांड अब वो डिक्लाइन करवाया है। ठीक है, अब उनको तो प्रॉब्लम आएगी ना सर, वो कहते हैं कि कुछ बोलू ना, मैं बोलूँ क्यों ना सर, अगर मुझे क्लाइंट ने हायर किया कोर्ट में बोलने के लिए हायर किया है, मैं चुप कैसे रहूं? आपके पास कई केसेस हैं, स्पेसिफिकली वो भी बड़े बड़े जैसे जगह का केस है, आरपीजीए सिद्धू मूसेवाले का है, संदीप नंगलंबिया का, लगभग सभी केसेस आपके पास हैं। शायद इसलिए कि कहीं ना कहीं आपको मेंटली थोड़ा सा प्रेशर डालने के लिए, तो ये लग रहा है सर कि आज मेंटली वो करना चाह रहे हैं। रीजन बिंग के सर कल मैं भी शायद दो बार सोचूंगी कि वो इसका केस लेना कि नहीं लेना। अब चाहे लॉ बनाया कि बाहर से, मतलब मान लो कोई कॉल करता तो एंटीसिपेटिव बेल डालनी है, कोई बाहर से कॉल आएगी मुझे देखते डर लगने लग जाएगा कि भाई किसी का केस करना है कि नहीं करना। मैम आपसे कोई भ्रमगी हुई है, आपको कोई रीजन बताया कि आखिर किन किन के? सारी फाइलें चेक कर ली, उनको कुछ नहीं मिला, बस फोन सीज किए हैं कि हमने फोन आपके देखने हैं। थैंक यू मैम, वो चीज़ें। तो हमारे साथ एडवोकेट डॉक्टर शैली शर्मा ने एक चीज क्लियर कर दी है कि उनके पास भी रीजन क्लियर नहीं है आखिरकार ये कदम क्यों उठाया गया, पर ऑफ कोर्स उन्होंने पूरा कोऑपरेट किया था। और उसके बाद अब ये देखना होगा कि आज जो ये रेड की गई है क्या ये रेड दोबारा होगी, क्योंकि अगर हम बात करें तो इस वजह से चंडीगढ़ में रेड नहीं हो रही है, एनआईए की तरफ से पूरे पंजाब, हरियाणा और जगहों पर रेड की जा रही है, पर जो टारगेट्स हैं गैंगस्टर्स के घर है। पर यहाँ पर चंडीगढ़ में एक अलग सिनेरियो देखने मिला जब एक एडवोकेट के घर रेड की गई, वो भी इसलिए जो खुद एडवोकेट बताते हैं कि उनके पास हाई प्रोफाइल केस है। कई सवाल खड़े होते हैं, क्या एनआईए की तरफ से प्रेशर डालने के लिए या फिर कोई और रीजन भी थे। चंडीगढ़ से कैमरामैन इंद्र के साथ अमित कुमार, एनबी।